लॉकडाउन के दौरान देश के लाखों लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। मुश्किल की इस घड़ी में गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं संजीवनी सेवा ट्रस्ट नामक एक समाज सेवी संगठन। पिछले 50 से अधिक दिनों तक लगातार जारी इस लॉकडाउन में संजीवनी सेवा ट्रस्ट की ट्रस्टी व सचिव मानव जी सराफ व उनकी पूरी टीम भोजन संकट को दूर करने के प्रयास में जुटी हुई है। लॉकडाउन के दौरान अब तक इस ट्रस्ट द्वारा बंगाल के करीब 80 विभिन्न स्थानों के जरूरतमंद परिवारों में लगभग 13,100 पैकेट भोजन व खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है और अब भी यह सिलसिला जारी है। संजीवनी सेवा ट्रस्ट द्वारा रविवार को वार्ड नंबर 43 में विधायक स्मिता बख्शी, पूर्व विधायक संजय बख्शी, वार्ड नंबर 43 के टीएमसी अध्यक्ष अशोक ओझा, गणेश शर्मा एवं रामचंद्र बड़ोपालिया के सहयोग से जरूरतमंद लोगों में करीब 150 पैकेट खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। लोगों में 2 किलो चावल, 1 किलो आटा, 300 ग्राम दाल, नमक, मिर्च, मसाले एवं आलू बांटा गया। साथ ही करीब 150 पीस मास्क का भी वितरण किया गया। जोड़ासाको अंचल की विधायिका स्मिता बख्शी ने लोगों से अपील की कि किसी भी हालात से निपटने से पहले आप पैनिक ना हो। आज नहीं, बहुत दिन पहले से ये लोग मानव सेवा का काम में जुड़े हैं, तो जिसका जरूरत पड़ता है हाइड्रेशन ऑपरेशन, आई ऑपरेशन के संग संग गर्मी का टाइम में, जैसे आम जनता का रास्ता में कोई तकलीफ नहीं हो। बहुत जगह में कलकत्ता का ये लोग पियाऊ बैठ ठंडा पानी का मशीन लगा के पियाऊ बैठा दिया है। और ये लॉकडाउन के टाइम में जो इसका ज़रूरत पड़ता है खाने पीने का कुछ सामान का, संजीवनी सेवा ट्रस्ट का मानव जी सराफ आज हम लोग से बात किया था, जो जिस एरिया में ज़रूरत है तो ये 43 वार्ड में हम लोग सोचा था कोई आदमी का ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर रामचंद्र जी, बड़ा पुलिया, प्रमोद जी, अशोक ओझा, लड्डू, गणेश जी सब कोई मिलकर ये जगह हम लोग चुना था संजीवनी सेवा ट्रस्ट का तरफ से। ये चावल, दाल, आटा, तेल, आलू ये सब जनता पर पूछा भी आता है। ऐसे तो पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से सब आम जनता का संग में है और सब को तो एक ही बात ही बोला था कि पश्चिम बंगाल का कोई भी आदमी बिना भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वही पूर्व विधायक संजय बख्शी ने भी लोगों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रयत्न कर रही हैं। गरीब असहाय लोगों की मदद करना हमारा परम धर्म है। देखिए, लॉकडाउन का बात तो ही है, हट कंप्लीट हो रहा है, फुल कब किस तरीके से होगा नहीं होगा। हम लोग ने वादा किया था 30 तारीख से जो हम लोग रास्ता पर है, ये लॉकडाउन जितना दिन चलते रहेगा आम जनता का या कि बंगाल में जिसका बस्तर में खाने का जरूरत है वो दर्शन हम लोग पहुँचाते रहेंगे। संजीवनी सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी और सचिव मानव जी सराफ व उनकी टीम द्वारा की जा रही इस सराहनीय पहल से व राशन प्राप्त कर सभी वार्डवासी काफी खुश नजर आए। मार्केट नंबर वार्ड में खड़े हैं, इसके पहले हम लोग इस वार्ड में सभी वार्ड के अंदर में कर चुके हैं। संजय बख्शी जी और स्मिता बख्शी जी से तो हम लोगों के बहुत 35 साल पुराने रिलेशन है और जो भी सेवा कार्य होती है यहाँ जरूर होती है। और संजीवनी सेवा ट्रस्ट किंतु 29 मार्च से डेली 2-3 जगह में 150 पैकेट करके एक जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज 49 दिन के अंदर में करीबन 13,000 पैकेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है और इसके अंदर कोस्टल एरिया 200 किलोमीटर दूर तक जाकर के हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ओटेल DSRB मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, OT टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल OT टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया।